शाहरुख खान की पठान ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। फिल्म की कमाई का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इस फिल्म के साथ 4 साल बाद शाहरुख खान ने कमबैक किया है और ऐसी वापसी की है कि हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। पठान 25 जनवरी को रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अब तक इसका दबदबा बना हुआ है। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो अब तक पठान ने 727.66 करोड़ के कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 401 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार पठान को आदित्य चोपड़ा ने 250 करोड़ के बजट में तैयार किया है। इस बीच पठान पर अब फिल्म क्रिटिक और बॉलीवुड डायरेक्टर एक्टर कमाल आर खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। फिल्म पर केआरके के सुर काफी बदले बदले लग रहे हैं, जिस पर कई यूजर हैरानी भी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल कभी केआरके ने दावा किया था कि शाहरुख की पठान का भी हाल बॉलीवुड की पिछली कुछ बड़ी फिल्मों की तरह होगा, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। लेकिन अब उन्होंने इस फिल्म की सफलता के लिए द कपिल शर्मा शो को निशाना बनाया है। कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है जिनमें उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान और अनुपम खेर की द कश्मीर फाइल्स को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एसआरके ने कपिल शर्मा शो पर पठान का प्रचार नहीं किया, फिल्म सुपरहिट है। फिल्म कश्मीर फाइल्स का भी कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन नहीं किया गया और फिल्म सुपरहिट रही। तो ये इस बात का सबूत है कि कपिल शर्मा शो फिल्मों के लिए एक बड़ी पनौती है। आशा है कि अन्य स्टार भी पनौती शो पर अपनी फिल्मों का प्रचार नहीं करेंगे। केआरके की इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने रिएक्शन दिए हैं। किसी ने अभिनेता के ट्वीट पर चुटकी ली है तो किसी ने उन्हें निशाने पर लिया। खासकर द कपिल शर्मा शो के फैंस केआरके के ट्वीट से बिल्कुल खुश नहीं है। कई ने उनके ट्वीट को लेकर उन पर निशाना साधा। एक ने केआरके की ट्वीट को निशाने पर लिया और लिखा, RRR तो कपिल शर्मा शो में प्रमोट हुई थी लेकिन वो हिट भी रही और ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है। एक अन्य ने केआरके को ऐसा ट्वीट ना करने के लिए कहा है।